नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वीरनाश यानी हस्त मिथुन करना छोड़ सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करके या नोफैप का पालन करके लिटरली अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दलदल में फंस चुके हैं और इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। जब इस चीज़ को कर लेते हैं लोग तो थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, रिग्रेट और गिल्टी फील होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत कर दिया। लेकिन जैसे उनका टाइम फ्रेम निकलता है, जैसे उनका फिर से टाइम आता है, तो वही चीज़ सेम करते रहते हैं और वही चीज़ सेम अपने आप से बोलते रहते हैं कि आज के बाद में नहीं करूँगा। लेकिन जब टाइम आता है तो फिर से कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी क्षमता के अनुसार इसे अपना एक चैलेंज परफेक्ट सेट करके इसे अपने आप अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, नोफैप और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी ज़िंदगी में फोकस कर सकते हो, एक अट्रैक्टिव और एक अच्छा इंसान, एक गुड लुकिंग इंसान बन सकते हो और अपनी पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको जानना होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज़ के बारे में अच्छाई देखते हैं और बुराई भी देखते हैं। देखो, दोनों ही है, इस चीज़ के बारे में अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को कर रखा है, अपने ज़िंदगी में इतनी बुरी तरीके से उतार रखा है जैसे कि ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो रही है, आपको किसी और चीज़ पर फोकस नहीं होता, सारे दिन आपके दिमाग में यही चीज़ें घूमती रहती है, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जब किसी चीज़ को करते हैं और वो उनको अच्छा लगता है और वो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते तो उसके फ़ायदे देखने लगते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ के फ़ायदे देखना बंद करो, क्योंकि बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं गूगल पर और फिर देखते हैं इसके कितने सारे बेनिफिट हैं, और हर तरह के लोग मिल जाएंगे आपको, नुकसान भी देखने वाले मिल जाएंगे और बेनिफिट भी, और दिखाने वाले भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इन चीज़ों को आपको दिमाग से हटा देना है कि इसके कोई फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे लोग आपको बता देंगे इससे स्ट्रेस रिलीज होता है, इससे आपको अच्छी नींद आती है, इससे आप काम पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिटरली इसी चीज़ से स्ट्रेस होता है, बहुत सारे लोग करने के बाद में गिल्टी और रिग्रेट फील करते हैं, और जो लोग बताते हैं कि इससे अच्छी नींद आती है वो थोड़ा सा टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, आपको अच्छी नींद आ तो जाती है लेकिन आपकी बहुत सारी एनर्जी खराब हो जाती है। उसी तरह आप इस सीमन को अपनी बॉडी में बचाकर, इस सीमन को अपनी बॉडी में स्टोर करके, इस पावर को स्टोर करके आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक अच्छे वे में। आप अपनी लाइफ में फोकस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपनी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी बना सकते हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि इससे स्ट्रेस रिलीज होता है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर इसको करने के बाद में स्ट्रेस रिलीज होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है, आपको गिल्ट फील होता है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर इससे अच्छी नींद आती है तो उस एनर्जी को क्यों ना हम और चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। अगर हमें नींद इसी चीज़ से आती है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो क्यों ना इस फोकस को, जब हमें नींद नहीं आती, उस टाइम को और कहीं लगा दिया जाए। और ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, जो नींद वाला सॉल्यूशन है, ऐसे आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और आपको कभी नींद नहीं आएगी। जब आप इसी तरह सोचते रहेंगे कि इस चीज़ को करने के बाद में मेरे को नींद आती है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक उसी आदत को, उसी हैबिट को अपने दिमाग में बिठा लेता है, और जब आपको नींद नहीं आएगी तो आप डेली ये चीज़ करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में से चीज़ निकाल दें कि इससे नींद आती है, क्योंकि जब आप बचपन में थे तब आपकी बॉडी में सीमन बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब भी आपको नींद आती थी। इसलिए एक नेचुरल हैबिट बनाएं, अच्छे काम करें, अपनी बॉडी को थकाएं ताकि आपको अच्छी नींद आए। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन का यूज़ या प्रयोग ना करें, इससे आपकी लॉन्ग टर्म में बॉडी ख़राब हो जाती है। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं इसको कैसे छोड़ूँ, मैंने बहुत सारा ट्राई कर लिया। लेकिन अगर आपको इसे छोड़ना है, सबसे पहले इसे फ़ायदे देखने होंगे। लिटरली इस चीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको इसे छोड़ना कैसे है। तो आपको सबसे पहले नुकसान इसे देखना चालू करना होगा, जो भी इसके फ़ायदे हैं वो भी आपको देखने होंगे कि अगर मैं सीमन बचाऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तो मुझे क्या फ़ायदे होंगे। आपको वो फ़ायदे नहीं देखने कि मैं अगर मास्टरबेट करूंगा तो मुझे क्या फ़ायदे होंगे। आप ये देखो, मास्टरबेट करूंगा तो इसके नुकसान क्या होंगे, और अगर मैं नोफैप और ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं तो इससे मुझे फ़ायदे क्या होंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी तरह काम करने लग जाएगा, आप इस चीज़ को बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियरिटी आएगी कि हाँ मुझे इस चीज़ को छोड़ना है। और जब आपने तय कर लिया है तो आपके दिमाग में अभी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, आपने दूसरे लोगों को सुन लिया जो बता रहे इसका अच्छा भी है या बुरा भी है। आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैंने सोच लिया मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बस मैं सबकी सुनूंगा कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नोफैप का पालन करना है, और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को एक नए वे में, एक अच्छे वे में ट्रांसफॉर्म करना है। अब इसको जब आप छोड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं
एक बड़ा चैलेंज ले लेते हैं, बड़ा चैलेंज ले लेते हैं कि आज से मैं एक साल या फिर जिंदगी भर इसको छोड़ दूंगा। जब आप डेली करते हैं बार बार, तो आप जब इस चीज में फेल होते हैं और वही सेम चीज आप रिपीट करते जाते हैं, वही सेम मिस्टेक आप करते जाते हैं, तो आपका दिमाग एक टाइम के आने के बाद में बोल देता है कि यार मुझसे नहीं होगा। तो सबसे पहले जितनी आपकी क्षमता है उतना चैलेंज ही लीजिए। अगर आप डेली करते हैं तो कम से कम एक हफ्ते का चैलेंज लेने की कोशिश करें, अगर आप 2-3 दिन से करते हैं तो 15 दिन, 1 महीना, बस इतना ही चैलेंज लेने की कोशिश करें। और जब आप इस चैलेंज को पूरा करोगे तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन जब आप 1 महीने का चैलेंज लेते हो, लेकिन अगर आपकी क्षमता 1 हफ्ते की है, अगर आपने 1 हफ्ता कर लिया, 10 दिन भी कर लिए, लेकिन आपने महीना नहीं किया, अपनी बॉडी को पहचाना नहीं, तो भी आपको रिग्रेट फील होगा और आप अपने आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन जब आप 7 दिन का चैलेंज लेते हैं और 7 दिन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसीलिए जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आप चैलेंज ले। फिर आपको क्या करना है, अर्जेंट, अगर आपको अर्जेंस आती है, सबसे पहले अपने काम में फोकस रखना, इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। बाकी अगर आपको अर्जेंस आती है तो आप टेम्परेरी सॉल्यूशन अपना सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पुशअप्स करते हैं, आप ना करा सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। बस ये 5 मिनट का ऐसी चीज होती है जो 5 मिनट आपको अर्जेंस आती है। अब 5 मिनट बस आपको अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि आप इस चीज से बच सकें। तो आपको यही चीजें टेम्परेरी सॉल्यूशन अपनाने हैं। बाकी एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है इसका मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं यानी ध्यान लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग एकदम शट हो जाता है और नई चीज की तरफ आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो जब भी ये चीज आए, कम से कम आपको ये बोलना अपने आप से, हाँ मैं तुम कर लूंगा, मास्टरबेट कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट या तो बाहर जाऊंगा, पुशअप्स मारूंगा या फिर मैं मेडिटेशन करूंगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं ऑटोमेटिक आपका दिमाग एक दूसरी चीज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। सबसे पहले अपने दिमाग में आपको ओम के बारे में सोचना है। अगर आप ओम के बारे में सोचते हैं 5 मिनट तक, आपके दिमाग में और कोई पिक्चर नहीं आनी चाहिए। अगर आप ये चीज आपसे पहले शुरुआत में नहीं होती है, फोकस नहीं कर पाते मेडिटेशन में, तो आप मेडिटेशन सॉन्ग का यूज कर सकते हैं जो आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएंगे। आप आराम से जाके अपना ईयरफोन लगाएं और आप मेडिटेशन करें, जिससे क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट कम होंगे और ऑटोमेटिक 5 मिनट बाद में आप इस चीज को भूल जाएंगे, आपके दिमाग से चीज गायब हो जाएगी। इसीलिए और अब अगर आपको इस चीज को अपनी जिंदगी से हटाना है तो चैलेंज लो और मेडिटेशन करो, ऑटोमेटिक देखेंगे आप धीरे 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 आपकी बॉडी में सुधार आ रहा है, आपकी बॉडी हेल्दी बन रही है, आपकी स्किन में चमक आ रही है, आपके बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, आपके बाल में शाइनिंग आ रही है और आपका वेट भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इस चीज को करना बंद करना होगा, आपका फोकस अपने आप बढ़ने लग जाएगा, फोकस लेवल एक अलग ही लेवल पर होगा, लोग आपकी अटेंशन पाने लग जाएंगे और आप लोगों को अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे। तो इस चीज के फायदे बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले फायदे आपको देखने होंगे और नुकसान आपको देखने होंगे। नुकसान आपको, मैंने आपको कहा मास्टरबेशन के नुकसान और नोफैप और ब्रह्मचर्य के पालन के किस तरह से आप इसको फायदेमंद अपनी जिंदगी में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो चीजें आपको देखनी है।